हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिस्टर सीओ, आप शादी करने वाले हो, लेकिन तियांग ने कहा। लेकिन क्या? मुझे शादी करना है, वो भी उससे जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। जेहोप ने कहा, किससे? तुम किससे शादी करना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, और किससे? मैं जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ। और किससे शादी करने वाला हूँ मैं जंगकुक के अलावा? मुझे और कोई पसंद नहीं है। मुझे अगर शादी करना है तो उसी से ही करना है। जेहोप ने कहा, तियांग ये नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? आखिर मैं जंगकुक से शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो मिंगहाओ ने कहा, क्योंकि जंगकुक यूनो से प्यार करता है और उसकी शादी यूनो से होने वाला है। वो उससे बहुत प्यार करता है। मिस्टर सीओ, आप उससे कैसे शादी कर पाएंगे? तियांग ने कहा, मिंगहाओ, तुम तो जंगकुक की दोस्त हो ना? मिंगहाओ ने कहा, हाँ, लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम ही जंगकुक को मेरे पास लेकर आओगे। मिंगहाओ ने कहा, क्या मैं उसकी दोस्त हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी पसंद है या फिर अपनी दोस्ती? मिंगहाओ ने कहा, मुझे दोस्ती पसंद है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फायर। तो मिंगहाओ ने कहा, नहीं सीओ, ऐसा मत कीजिएगा, वरना मेरी फैमिली भूखा ही मर जाएगा। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी पसंद है और नौकरी चाहिए तो तुम्हें जंगकुक को मेरे पास लाना होगा। अगर तुम्हें कम कर पाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी इनाम देने वाला हूँ, आई प्रॉमिस। और जंगकुक को मैं बहुत ही खुश रखूंगा, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। मिंगहाओ ने कहा, ठीक है। उसके बाद मिंगहाओ जंगकुक को तियांग के पास लाने की पूरी तैयारियां करना शुरू करता है। लेकिन जंगकुक ने मिंगहाओ से कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक, हम दोनों कब से यहाँ पर है? मुझे लगता है हमें कहीं और जाकर रहना चाहिए, ये घर बहुत ही पुराना हो गया है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे अभी किसी और घर में नहीं जाना है। वैसे भी मेरी शादी यूनो से होने के बाद हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं, तो मैं अभी रूम चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक, मैंने रूम देख लिया है और हमें वहाँ पर जाना होगा। मैंने चेंज करने का फैसला कर लिया तुमसे बिना पूछे ही। जंगकुक ने कहा, लेकिन मिंगहाओ, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वैसे भी तुम्हें तो पैसे की जरूरत है ना? मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक, वो मैं तुमसे बाद में कहूँगा, प्लीज मेरी बात मान लो। उसके बाद जंगकुक को फोर्स पुलिस के साथ किसी और फ्लैट में लेकर आए। वहाँ पर कोई और नहीं, वो तियांग था। तियांग जंगकुक को कहता है, वेलकम। जंगकुक ने कहा, क्या मिस्टर सीओ? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जंगकुक ने कहा, लेकिन मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे आप? तियांग ने कहा, क्योंकि आज हमारी शादी है और तुम अगर नहीं आते तो हमारी शादी कैसे हो पाते? जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हमारी शादी? लेकिन मैं तो यूनो से शादी करने वाला हूँ, आप ये क्या बोल रहे हो? आपकी और मेरी शादी कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगा और किसी से नहीं, क्योंकि तुम मुझे बच्चा देने वाले हो। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता है, क्यों इतना शौक क्यों हो रहे हो? लगता है तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है। जंगकुक वो मिंगहाओ को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है। उसने देखा, मिंगहाओ यहाँ पर नहीं है। जंगकुक ने कहा, मिंगहाओ, इसका मतलब तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आए और तुम यहाँ से चले गए? तुम्हें इतना भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? तो टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक बेड पर था। तियांग जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के बाद वो सोफे में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और जंगकुक को इस तरह से बेड पर लेटा हुआ देखकर वो स्माइल करते हुए कहा, तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम्हारी बॉडी एक बटर जैसा है। जंगकुक, तुम मुझे बहुत पसंद हो, आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, आई हेट यू। मिस्टर सीओ, मैं आपसे हेट करता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम जब भी मुझे हेट कहते हो ना, मुझे और भी मज़ा आता है और यकीन मानो तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तुम्हारी मुझे हेट यू सुनना मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है। तुम जब हेट यू कहते हो ना, मुझे लगता है तुम मुझे लव यू बोल रहे हो। तुम्हारी मुझे हेट यू भी सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक ने कहा, बहुत हो गया, आखिर आपने ऐसा क्या किया था जो मिंगहाओ ने आपकी बात को मान लिया? तियांग ने कहा, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मिंगहाओ को वो मिल रहा है जो इतने सालों से वो मेहनत करने के बाद भी उसको नहीं मिला है। वो एक दिन में ही इतने सारे पैसे को कमा लिया है, और क्या चाहिए उसे? उसको पैसे की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। जंगकुक ने कहा, मिस्टर सीओ, आप एक नंबर के डेबिल हो, आपको पता है ना, आपकी जैसे बुरी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तियांग ने कहा, तो फिर देख लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें शायद बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैंने फोर्सफुली तुमसे शादी जो किया है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा ना, तब तुम हेट यू की जगह पर मुझे लव यू कहोगे, देखना। जंगकुक ने कहा, मिस्टर सीओ, ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग ने कहा, बहुत जल्द ऐसा होगा। इसके बाद तियांग
जनकुक के साथ फिर से इंटीमेट होने लगा। नेक्स्ट डे सुबह को जनकुक वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर हॉल में आ जाते हैं। जिन और आर्यन वो तियांग की ब्रदर और ब्रदर इन लॉ है। जिन तियांग की ब्रदर है और मिस्टर आर्यन है तियांग की ब्रदर इन लॉ। जैसे ही जिन को पता चला कि तियांग ने शादी कर लिया है, जिन अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ पर तियांग से मिलने आ गए और उसको देखने के लिए आ गए कि किससे शादी किया है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी सुबह को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिन ने कहा, तियांग तो क्या करता, तुमने शादी कर लिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। डैड को पता चला वो बहुत गुस्से में है, वो तुम्हारे ऊपर इतने गुस्से में है कि मुझे यहाँ पर भेज दिया। आखिर तुम ऐसा कर भी कह सकते हो? तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया क्या अगर डैड तुम्हें ऑफिस से और इस घर से बाहर निकाल दिया तो? तियांग ने कहा, क्या इस घर से? वो मुझे ऑफिस से तो निकाल सकता है लेकिन इस घर से नहीं निकाल सकता है। जिन ने कहा, क्यों नहीं निकल सकता है? तुम्हें भी पता है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो तियांग ने कहा, उनको जो करना है करने दीजिए, मुझे जनकुक से शादी करना था तो मैंने कर लिया। जिन ने कहा, तुम्हें शादी करना ही था तो हमसे क्यों नहीं कहा? जैसे जिन ने जनकुक को देखा वो किचन में से बाहर आ जाते हैं। वो किचन में गया था तियांग के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। जिन ने कहा, ये कौन है, क्या नौकर है? तियांग ने कहा, क्या उसको देखकर आपको नौकर लगता है? मुंह संभाल कर बात कीजिए, उससे मैंने शादी किया है, वो कोई नौकर नहीं, वो मेरी लाइफ पार्टनर है। आइंदा ऐसी बातें करने से पहले 100 बार सोच लेना, समझ गए आप? जिन से इस तरह से बातें करते हैं जनकुक को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी लिप पर किस करने लगा। आर्यन जिन को कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिन ने कहा, मुझे नहीं जाना है जब तक तियांग मुझे ये नहीं कहता है कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर लिया। आर्यन ने कहा, जिन बस करो, चलो मेरे साथ, और जिन को यहाँ से खींच कर लेकर जाता है। तियांग वो जनकुक को अभी तक किस कर रहा था। टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 45 डेज हो चुका है। तियांग जनकुक को देखे जा रहा था। जनकुक ने कहा, क्या हुआ मिस्टर सीओ, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? देखो आपके ऐसे घूरने से मुझे आपसे प्यार थोड़ी हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्यों नहीं होगा, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाना चाहिए। अब तो हमारी शादी के 45 डेज हो चुका है जनकुक, और तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म भी देना है। जनकुक ने कहा, मुझे नहीं देना है। तियांग ने कहा, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? वो तो ऊपर जो बैठा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि कब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। जनकुक ने कहा, मैं आपकी बच्चे को जन्म नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। बस एक बार योनो वापस आ जाए, उसके बाद योनो आपसे मुझे बचा लेगा। तियांग ने कहा, क्या योनो तुम्हें मुझसे बचा लेगा? मैंने तुम्हें किससे चुराया नहीं है, मैंने तुमसे शादी किया है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा पूरा हक बनता है तुम पर। जनकुक तुम योनो से कभी नहीं मिल पाओगे, समझ गए? जनकुक ने कहा, क्यों? तियांग मन में कहता है, क्योंकि योनो कभी वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि तियांग ने योनो कभी वापस ना आ सके इसकी पूरी तैयारियां कर दिया है। जनकुक ने कहा, इसकी डेविल स्मेल देखकर मुझे शक हो रहा है, कहीं इसने कुछ किया तो नहीं ना योनो के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जनकुक वो फिर से योनो को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन अब भी योनो की फोन बंद आ रहा था। जनकुक ने कहा, वो अभी तक अपने फोन को ऑन क्यों नहीं किया? कितने दिन हो चुका है वो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? तियांग ने कहा, क्या हुआ, किसको कॉल कर रहे हो? जनकुक ने कहा, आपसे मतलब? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे जानने की हक है, तो मुझे फोन दो। जनकुक ने कहा, मैं नहीं दूंगा। एक है तो जनकुक जाने लगा। तियांग उसके हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसको किस करने लगा। यहाँ पर सारे रिलेटिव्स आ चुका था। जिन भी आर्यन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, साथ में मिस्टर किम और मिसेस किम भी है, तियांग के मॉम डैड। मिस्टर किम यानी किमम कंपनी की चेयरमैन। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग मैंने अभी तक तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं कहा है और न ही तुम्हारे हस्बैंड को एक्सेप्ट किया है, तो तुम ऐसी हरकतें करना बंद करो। लेकिन तियांग कहा किसी की सुनता है, वो जनकुक को अभी तक कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। तो जिन तियांग के हाथ पकड़ कर जनकुक से अलग कर देता है और कहता है, पागल तो नहीं हो गए हो? इस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम इतने पागल हो गए हो? उस दिन भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था, यहाँ पर मॉम डैड आए हुए हैं, तियांग फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तियांग ने कहा, इससे मुझे क्या, मैंने इससे शादी किया है तो मैं इसे किस कर सकता हूँ? आप लोग का अगर प्रॉब्लम है आप लोग जा सकते हो। तो मिसेस किम ने कहा, जिन तुम तियांग को डांट क्यों रहे हो? लाइफ पार्टनर अगर जनकुक जैसा हो तो मेरा बेटा तो उसको किस करेगा ही ना जिन। तियांग जाकर मिसेस किम को हक करते कहा, मॉम आप यहाँ पर आए हो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम्हारी पार्टी है मुझे तो आना ही था बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन चेयरमैन की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाता हो, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को साथ में देखकर।
जनकुक, तुम मेरे बेटे को खुश रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मुझे प्रॉमिस करो। लेकिन जनकुक चुप थे तो तियांग ने कहा, मॉम वो प्रॉमिस नहीं करेगा, वो मुझसे प्यार थोड़ी करता है। मिसेस किम ने कहा, क्यों जनकुक, तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करते हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा हैंडसम है, इतना अच्छा है, वो इतना लायक है, उसके पास पैसे भी है, सब कुछ है उसके पास, तो तुम उससे प्यार क्यों नहीं करते हो? जनकुक ने कहा, क्योंकि आपकी बेटे ने मुझे फोर्सफुली शादी किया है, मेरी परमिशन के बिना, मैं किसी और से शादी करने वाला था। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ? हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो पाया, लेकिन मैंने क्या है ना, शादी से मतलब होना चाहिए तुम्हें जनकुक, हस्बैंड से नहीं। जनकुक ने कहा, तुमने सही कहा है, मुझे हस्बैंड से मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तियांग ने कहा, जनकुक मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। जनकुक ने कहा, तियांग वो कुछ और कहने ही वाला था। वो अपने सर पकड़कर नीचे गिरने ही वाले थे कि तियांग ने उसको पकड़ लिया और उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर ने जनकुक को चेक करने के बाद स्माइल करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन। तियांग ने कहा, कंग्रेचुलेशन, आर यू मैड? वो गिरने वाला था, तुम्हारी दिमाग तो खराब नहीं है? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम गुस्सा मत कीजिए, आपके हस्बैंड जो है वो प्रेग्नेंट है, उससे कुछ नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, क्या वो प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, तो मैं झूठ क्यों कहूँगा, आप डेड बनने वाले हो। तियांग खुशी के मारे डॉक्टर को हक कर लेता है। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम मुझे लगता है आप गलती से मुझे हक कर लिया है। तियांग ने डॉक्टर को धकेल दिया और जनकुक को हक कर लिया, उसकी फोरहेड पे किस किया, पूरी फेस पर किस करने लगा। टाइम को स्किप करते हैं, तियांग वो ऑफिस में बैठा हुआ था, सभी लोग तियांग को खुश देखकर कहता है, क्या हुआ मिस्टर किम, आप बहुत ही खुश लग रहे हो, लगता है सीईओ की डैड बनने की खुशी है। तियांग ने कहा, सही कहा है, मैं डैड बनने वाला हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है, मुझसे तो इंतजार भी नहीं होता है, मैं कब डैड बनूंगा। मिंगाओ तियांग की खुशी को देखकर और जनकुक को प्यार करते हुए देखकर वो मन में कहता है, पहले मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन जनकुक को इतना प्यार करते हुए देखकर मिस्टर सीईओ को, अब मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है, क्योंकि यू नो जनकुक से इतना प्यार कभी नहीं कर पाते, वो तो जनकुक से कॉन्टैक्ट करना भी छोड़ दिया है। मुझे पता है जनकुक मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे उससे जाकर मिलना होगा। इसके बाद तियांग ने कहा, क्या हुआ मिंगाओ, तुम क्या सोच रहे हो? यही ना कि जनकुक तुमसे नाराज है, आज शाम को तुम घर आ जाना, मैं तुम्हारी और जनकुक की दोस्ती करवा दूंगा। मिंगाओ ने कहा, लेकिन सीओ इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है जनकुक मुझे कभी माफ कर पाएगा, लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा ताकि वो मुझे माफ कर दे। तियांग ने कहा, आई होप सो। तियांग तो अब हर वक्त जनकुक की ध्यान रखना शुरू करता है, जनकुक क्या खाता है, क्या करता है, वो वॉशरूम कितनी बार जाते हैं, सोने से लेकर उसकी उठने तक सारा ध्यान तियांग ही रखता है, उसका अपने हाथों से खाना खिलाता है। जनकुक पेशेंट हो जाता है, लेकिन अब जनकुक को रियलाइज होने लगा कि तियांग उसे कितना प्यार करता है। कभी कभी जनकुक को ऐसा लगता है शायद वो बच्चे के लिए ऐसा कर रहा होगा, बच्चे हो जाने के बाद वो जनकुक की केयर नहीं करेगा, वो सिर्फ बच्चे को प्यार करेगा, जनकुक इस बात का डर है। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं, जनकुक का पेन होना शुरू हो जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? जनकुक ने कहा, लगता है डिलीवरी होने वाला है। तियांग एक सेकंड की भी देर किए बिना जनकुक को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। दो घंटे बाद जनकुक ने एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल को जन्म दिया। तियांग जनकुक के पास आकर बैठ जाते हैं। जनकुक ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तियांग जनकुक के हाथ पकड़कर किस करता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया है। जनकुक ने कहा, मुझे बेटी हुआ है, क्या आपने सुना है? मुझे नहीं लगता है इसके बाद आपको इतना खुशी होगा। तियांग ने कहा, किसने कहा? मेरी बेटी प्रिंसेस है और मुझे लड़का या लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस तुम्हें और तुम्हारे बच्चे से फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है, वो हमारी प्यार की निशानी है। मुझे पता है तुम क्या कहोगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ तुम्हारी ना प्यार करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा प्यार तुम्हारी और मेरी प्यार को जोड़ने से भी इतना नहीं होगा जितना मैं तुमसे करता हूँ। जनकुक, आई रियली लव यू एंड थैंक्स कि तुमने मेरे लिए इतने कष्ट उठाया है, मुझे पता चला तुम्हें बहुत पेन हुआ, मैं बाहर से भी तुम्हारी आवाज़ सुन रहा था तुम जब रो रहे थे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारा, जब तुमने बच्चे को गोद में लिया तुम्हारी लिप पर स्माइल आ गया था, तो मुझे वो बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। टाइम को स्किप करते हैं, जनकुक धीरे धीरे तियांग की बातों को सुनकर उसकी बिहेवियर को देखकर बच्चा और उसके ऊपर
जितने लगाव और टेक केयर देकर जनको को समझ में आ गया कि तियांग सिर्फ उसकी बच्चे के लिए उसके साथ शादी नहीं किया था और इसको लड़का या लड़की से कोई फर्क नहीं पाता है। जनको को लगा तो शायद तियांग को एक बॉय चाहिए होगा और वो बच्चे के लिए ही जनको से शादी किया है, लेकिन नहीं, जनको को तो लड़की हुआ है। ऊपर से तियांग जनको का भी क्यार कर रहा है। एक्चुअली तियांग सच में जनको से बहुत प्यार करता है। तियांग अपनी बेटी के नाम तेकुक रखा है। जनको ने पूछा है, आपने तेकुक क्यों रखा है? तियांग ने कहा, क्योंकि यह हमारी प्यार की निशानी है, तो मैं तुम्हारी और मेरी नाम को जोड़ कर रखा है। तेकुक, तियांग की ते और जनको के कुक। जनको ने कहा, क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हो? तियांग ने कहा, सिर्फ तुमसे ही नहीं, मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जनको ने कहा, क्या मतलब है? आप तो इतने दिनों से मुझे यही कह रहे थे, क्या आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? अचानक आपने ये क्यों कहा? तियांग ने कहा, क्या जनको, कहे तुम्हें जेली से तो नहीं हो रहा है ना? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पाता है मैं किससे प्यार करता हूँ और किससे नहीं, तो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? जनको ने कहा, नहीं, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आखिर आप मेरे हस्बैंड हो और आप सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, किसी और से नहीं। आपने कहा कि आप किसी और से भी प्यार करते हो, कौन है वो मैं जानना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तो तुम जेलिस हो रहे हो, तुम इस बात की एग्री करते हो? जनको ने कहा, मुझे जेलिस हो रहा है तो क्या करो, मैं और झूठ नहीं कह सकता हूँ। अभी बताइए मुझे, कौन है वो? तियांग ने कहा, अपनी नज़रें नीचे करो, तुम्हें वो मिल जाएगा। जनकुक ने देखा नज़रें नीचे करने के बाद अपनी बेटी को, क्योंकि जनकुक की गोद में तेकुक था। तेकुक को देखकर जनकुक ने कहा, वो तो तेकुक है। तियांग ने कहा, तो मैं इसकी बात ही कर रहा था, पहले मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन अभी मुझे तुम्हारे साथ साथ इसको भी प्यार करना पड़ेगा, वरना वो गुस्सा करेगा ना। जनकुक बहुत ही शाय हो गए। तियांग ने कहा, जनकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भूल से भी कभी ये मत सोचना कि मैं किसी और से प्यार कर सकता हूँ। तुम्हारी जगह पर मैं किसी और को नहीं ला पाऊंगा, तुम मेरे लिए बहुत ही पीसियस हो, तुम्हारे साथ किसी और को कंपेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तुम वन पीस हो और जिसे मैं प्यार करता हूँ। जनकुक, आई रियली लव यू। जनकुक ने कहा, आई लव यू टू। तियांग कहता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या? जनकुक ने कहा, मैंने कहा आई लव यू टू। तियांग कहता है, फिर से कहना। जनकुक ने कहा, मिस्टर सीओ, आई लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू, और इसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग बहुत ही खुश हो गए। पहली बार जनकुक ने तियांग को आई लव यू टू कहा, और साथ ही साथ जनकुक से मिस्टर किम को आई लव यू भी सुनने को मिला। जो मिस्टर सीओ इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है हमेशा, वो जनकुक से शादी करने के बाद बहुत ही खुश मिजाज रहने लग गए और बहुत ही रोमांटिक है। तियांग इतना रोमांटिक है कि जनकुक ने कभी सोचा भी नहीं था। जनकुक को लगा ये इंसान एक नंबर का डेविल है, लेकिन इस डेविल के अंदर जो दिल है वो बहुत ही प्योर है, और तीनों साथ में ऐसे ही खुश रहे। अंत में जनकुक ने मिंघा को भी माफ कर दिया, लेकिन जनकुक को ये नहीं पता चला कि उन्होंने उससे कॉन्टैक्ट करना क्यों छोड़ दिया। तियांग ने जनकुक से कहा, अगर मैं कहूँ कि उनको मैंने ही रोक कर रखा है? जनकुक ने कहा, क्या मतलब है? तो तियांग ने कहा, वो मैं यूनो को किसी ऐसी जगह पर भेज दिया है जहाँ से वो वापस नहीं आ पाएगा। जनकुक ने कहा, क्या मतलब है, क्या आपने उसको मार डाला? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया है, वो तो मैंने बस यूनो को किसी ऐसे देश में भेज दिया है जहाँ से वो आसानी से नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास ना ही कोई पासपोर्ट है ना ही कोई वीसा है, तो उसको पुलिस पकड़ कर ले गए है। जनकुक ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज आप उसको छुड़ा लीजिए। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यूनो के साथ नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। जनकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको उसको सॉरी कहना होगा। तियांग कहता है, वो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन तियांग मन में कहता है, मैं कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता हूँ, अभी तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कह दिया, लेकिन मैं उसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। जनकुक ने कहा, आपने कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, नहीं तो, और उसको किस करने लगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो, आई होप आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।